हे हॉलिक्स वेलकम बैक टू माई चैनल होप यू आर डूइंग वेल फ्रेंड दिस वीडियो इज ऑल अबाउट टॉप फोर्टीन क्यूट लिटिल ब्लूम्स एवरी गार्डन शुड हैव तो फ्रेंड्स आज का पूरा वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाला है कि आप ऐसे कौन कौन से जो फ्लारिंग प्लांट्स होते हैं जिनके फ्लार्स बहुत ही छोटे छोटे से होते हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा क्यूट से और एडोरेबल से लगते हैं तो फ्रेंड्स उन्हें आपको ज़रूर अपने गार्डन में इंक्लूड करना चाहिए तो सबसे पहला जो प्लांट आप इस लिस्ट में देख रहे हो ये है बटन रोज का और फ्रेंड्स इस तरीके से इस समय मानसून में मेरे इन बटन रोजेज में फ्लारिंग हो रही है मेरे पास और भी प्लांट्स हैं लेकिन आज इन्हीं दो प्लांट्स में बहुत अच्छे से फ्लारिंग हो रही है वही मैं आपको दिखा रही हूँ ये देखिए फ्रेंड्स जब विंटर का टाइम होता है तो फ्रेंड्स इनका जो कलर होता है वो और थोड़ा सा ब्राइट सा हो जाता है बिल्कुल ये जो आप कलर देख रहे हो ये डार्क पिंक कलर के इसमें फ्लावर्स खिलते हैं और इस समय भी फ्रेंड्स आप बर्ड्स वगैरह बनना शुरू हो गई है क्योंकि इनका भी सीजन आ गया है आप खुद देख सकते हो कितने सारे फ्लावर्स मेरे इन प्लांट्स में लगे हुए हैं तो फ्रेंड्स इस प्लांट को जरूर आप लगाइए अपने गार्डन में आपका गार्डन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सा लगेगा सेकेंड जो आप प्लांट देख रहे हो फ्रेंड्स ये है कपीहा हाईसुपीफोलिया का फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा एक प्रिटी फ्लॉरिंग प्लांट होता है और ये एक एवरग्रीन श्रब होती है जिसे फ्रेंड्स इनडायरेक्ट लाइट बहुत ज़्यादा पसंद होती है आप बिल्कुल फुल सनलाइट में इस प्लांट को मत रखिएगा इनके ये जो इतने छोटे छोटे से टाइनी टाइनी से आपको फ्लावर्स दिख रहे हैं इसलिए ये प्लांट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है लोगों के बीच क्योंकि ये एक ऑर्नामेंटल लुक देता है आप जहाँ कहीं पर भी इसको लगाते हो फ्रेंड बेसिकली आप इसको ऐसे एरिया में ही लगाइए जहाँ पर इसे फिल्टर्ड छन की जैसे जो धूप होती है वही मिले या रोशनी जो होती है वो छन के ही मिले डायरेक्ट बिल्कुल सनलाइट में मत रखिएगा नहीं तो फ्रेंड्स इसकी जो लीव्स होंगी वो पीली होना शुरू हो जाएंगी तो फ्रेंड्स इस बात का आप ध्यान रखिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा फ्रेंड ये प्लांट लगता है और वाकई में एक ऑर्नामेंटल लुक देगा आप अगर इसे अपने गार्डन में इंक्लूड करोगे और मेरा मानना है कि आपको इसे इंक्लूड ज़रूर करना चाहिए काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत सा ये प्लांट देखने में लगता है इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट जो आप प्लांट देख रहे हो एक्जोरा फ्रेंड्स एक्जोरा अगर मैं टाइनी फ्लावर्स की बात करूँ तो उसमें चूंकि ये बंचेज में फ्लारिंग करता है तो बहुत ही ज़्यादा एक ऑसम awesome फ्लारिंग प्लांट है और आपको ज़रूर लगाना चाहिए इस तरीके से फ्रेंड्स इसमें बंचेज में फ्लारिंग होती है आप देख सकते हो कितने सारे फ्लावर्स फ्रेंड्स एक साथ ही निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा ये आपके गार्डन की खूबसूरती को बढ़ाते हैं तो फ्रेंड्स इस प्लांट को मस्ट है लगाना ज़रूर इंक्लूड करिए अगर आपके पास है तो फ्रेंड्स आप इसे बस जो अगर आप इसे फ्रेंड टेरिस पर भी रखते हो मैंने तो पे ही रखा हुआ है ये सेमी शेडेड में भी बहुत अच्छे से वर्कआउट करता है और फ्रेंड्स अगर आप इसे ऐसे एरिया में टेरिस पे रखो जहाँ पे इसे मॉर्निंग की पूरी फ्रेंड्स फाइव टू सिक्स आवर्स की अच्छे से सनलाइट मिले तो वहाँ पे ये ब्लूमिंग बहुत अच्छे से करता है फ्रेंड्स ये मेरे सारे ही प्लांट्स टेरिस पर ही रखे हुए हैं वहाँ पर फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छे से वर्कआउट कर रहा है अगर आप सेमी शेडेड में भी रखना चाह रहे हो तो रखिए लेकिन फ्रेंड्स थोड़ा सा फ्लॉरिंग पे असर पड़ता है तो बस ऐसे लोकेशन में रखिए जहाँ पर इसे मॉर्निंग की ही सनलाइट में पूरे दिन भर की आप इसे धूप मत दीजिएगा तो ये प्लांट बहुत अच्छे से आपके पास फ्लारिंग करेगा और एक काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत एडिशन होता है फ्रेंड्स इसे अपने गार्डन में ज़रूर इंक्लूड करिए अगर आपके पास होगा तो फ्रेंड्स आप मेरे बात से एग्री ज़रूर करोगे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा लगता है काफ़ी ज़्यादा बंचेज़ में फ्लारिंग करता है तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा आपका गार्डन देखने में लगेगा और इसमें फ्रेंड्स अगर मैं कलर्स की बात करूँ तो कलर्स को लेकर आपके पास बहुत ही ज़्यादा वाइड रेंज होती है जैसे फ्रेंड्स आपने पहले येलो देखा इस तरीके से आपके पास पिंक कलर का भी ऑप्शन रहता है इसके बाद फ्रेंड्स आपको ऐसा इस तरीके का भी कलर मिल जाएगा तो फ्रेंड्स जैसा भी कलर आपको पसंद हो वाइट भी आता है काफी ज्यादा कलर्स में फ्रेंड्स ये नर्सरी पे अवेलेबल होता है तो जैसा भी कलर आपको पसंद हो आप लाकर लगा सकते हो और इसमें भी फ्रेंड दो वैराइटीज आती हैं ऐसी आपको डोआफ वैरायटी भी मिल जाएगी और एक फ्रेंड फुल्ली जो ग्रोन अप बड़ा प्लांट होता है तो फ्रेंड वो भी आपको मिल जाएगा फ्रेंड वो भी वैरायटी मेरे पास है लेकिन उसमें फ्लावरिंग आज नहीं हो रही थी तो इस वजह से वो मैं आपको शो नहीं कर रही हूं तो आपको ये प्लांट जरूर रखना चाहिए अपने गार्डन में इसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट जो आप प्लांट देख रहे हो अगर हमने टाइनी फ्लावर्स की बात की है तो फ्रेंड्स पोर्टिला का बिल्कुल भी पीछे कहीं नहीं है क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा क्यूट से इसके फ्लावर्स लगते हैं फ्रेंड्स आप खुद देखिए कितने ब्यूटीफुल से लगते हैं हैंगिंग बास्केट में आप लगाइए फ्रेंड थाली वाले पॉट्स में लगाइए ऐसे आप फ्रेंड्स 12 इंच के पॉट में लगाओ फ्रेंड 10 इंच के पॉट में लगाओ बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा लगता है और फ्रेंड्स बहुत ही छोटे छोटे से फ्लावर्स होते हैं अर्ली मॉर्निंग ये खिल जाते हैं तो जब आप फ्रेंड मॉर्निंग में अपने गार्डन में जाओगी तो फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा ये खूबसूरत खूबसूरती को बढ़ाएगा आपकी गार्डन की और फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स इसको जो प्रोपोगेशन होता है वो बहुत ही आसान होता है छोटी सी भी फ्रेंड्स आप इनकी प्रूनिंग करो तो प्रूनि प्रूनिंग करने के बाद आप उसको फेंको मत फ्रेंड्स आप उसको जस्ट गाड़ दोगे तो विद इन वन वीक इसके जो न्यू प्लांट्स होते हैं वो बन जाते हैं तो बहुत ही आसान होता है इनको लगाना तो इसको भी आप ज़रूर लगाइए इसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट जो आप प्लांट देख रहे हो ये है मॉसरोज का मॉस रोज भी फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत से लगते हैं और फ्रेंड्स ये सालों साल आपके पास बने भी रहेंगे बस फ्रेंड्स आपका मानसून हो गया और थोड़ा सा विंटर्स में इन पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है बहुत ज्यादा आपको जो पानी होता है उसको लेकर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा जैसे बारिश में आप इसे बहुत ज्यादा खुले उसमें मत रख दीजिए थोड़ा सा इसकी लोकेशन को शिफ्ट कर दीजिए अगर लगातार बारिश हो रही है अगर रुक रुक के हो रही है तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है और थोड़ा सा फंजीसाइड पाउडर जरूर इसकी सॉइल में डाल दीजिए तो ये मानसून की हो गई बात और विंटर्स में फ्रेंड्स आपको इसे फुल डे जो सनलाइट होती है वहां रखना बस पानी आप थोड़ा सा ध्यान से डालिए जब इसकी सॉइल थोड़ी सी सूखने लगी तभी आपको पानी डालना है बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है फ्रेंड्स इसके भी फ्लावर्स देखने में लगते हैं और इसमें भी फ्रेंड्स आपको कलर ऑप्शन बहुत सारे मिल जाएंगे और फ्रेंड्स ये जो आज का पूरा वीडियो देख रहे हैं इसमें आपको सारे ही जो प्लांट्स देखने को मिलेंगे सारे ही पेरिनियल मिलेंगे मतलब परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे जो कि फ्रेंड्स आपके पास सालों साल बने रहेंगे तो इन प्लांट्स को कभी भी आप उखाड़ के मत फेंकिए फ्रेंड्स ये आपके अगर आप थोड़ी सी केयर कर ले जाओगे तो आपके पास काफी टाइम तक के लिए बने रहेंगे नेक्स्ट प्लांट फ्रेंड आप जो इस लिस्ट में देख रहे हो ये है अरेबियन जैस्मिन का फ्रेंड इसके भी फ्लावर्स बहुत ही ज़्यादा uh... अच्छे से लगते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे से होते हैं और फ्रेगरेंट फ्लारिंग प्लांट होता है तो बहुत ही ज़्यादा एक मस्ट हैव फ्लारिंग प्लांट है आप इसको ज़रूर लगाइए फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत से इसके फ्लावर्स देखने में लगते हैं और फ्रेंड्स इसमें भी कई बार गुच्छों में फ्लारिंग होती है आप खुद देख सकते हो फ्रेंड्स ऐसे ही अगल बगल में बहुत सारी बर्ड्स आ जाती हैं तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आपका गार्डन ना सिर्फ देखने में लगेगा बल्कि फ्रेंड्स इसकी फ्रेग्रेंस से आपका जो माइंड होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा काम रहेगा तो फ्रेंड्स इसको भी आप ज़रूर इंक्लूड करिएगा नेक्स्ट जो फ्रेंड्स आप प्लांट देख रहे हो ये है सावनी का तो फ्रेंड्स सावनी को भी जरूर लगाइए और फ्रेंड्स ये आपका पूरा मिड समर हो गया मानसून तो फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा फेवरेबल होता है इसकी फ्लारिंग के लिए तो इसको आप जरूर इंक्लूड करिए बहुत ही छोटे छोटे से इसमें भी फ्लार्स निकलते हैं जैसे कि फ्रेंड्स आप भी मेरे इस प्लांट में देख रहे हो गए ऐसे ही फ्रेंड्स आपके पास कलर ऑप्शन भी बहुत सारे होते हैं और फ्रेंड्स इन्हें प्रोपोगेट करना भी बहुत ही ज्यादा आसान होता है छोटी सी कटिंग आप ले अभी मानसून का टाइम है फ्रेंड्स बहुत ही आसानी से ये कटिंग के थ्रू भी लग जाए है और फ्रेंड ये देखिए ये इसकी वैरायटी है ऐसे बहुत ही छोटे छोटे से क्यूट से फ्लॉर्स लगते हैं तो फ्रेंड्स बहुत ज्यादा खूबसूरत से लगते हैं अगर आप भी फ्रेंड मेरी बात पे एग्री हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि जो छोटे फ्लावर्स होते हैं फ्रेंड्स वो ना सिर्फ देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत से लगते हैं इनमें कई ऐसे प्लांट्स हैं जैसे फ्रेंड्स आप ये भी ये जो प्लांट देख रहे हो सावनी के ये भी फ्रेंड बीज हो गया बटरफ्लाइज हो गया हमिंग बर्ड हो गया इनको अट्रैक्ट करते हैं फ्रेंड्स कई बार आपको देखने को भी मिलेगा ये जो सीन पूरा होता है जब पॉलीनेटर्स होते हैं या हमिंग बर्ड्स आपके गार्डन में आए और इन फ्लावर्स पर बैठे फ्रेंड बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा माहौल लगता है फ्रेंड तो आप भी ज़रूर बताइएगा अगर आपके भी गार्डन में इस तरीके से गार्डन विजिटर्स आते हैं और फ्रेंड्स इतने छोटे छोटे से फ्लावर्स पे आकर बैठते हैं तो फ्रेंड बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सा माहौल जो होता है गार्डन का वो देखने में लगता है तो इनको जरूर फ्रेंड इंक्लूड करिए छोटे फ्लावर्स जरूर होते हैं लेकिन फ्रेंड्स इतने ज्यादा नंबर्स में फ्लारिंग करते हैं कि बहुत ज्यादा आपका गार्डन खूबसूरत सा लगेगा इसमें फ्रेंड्स एक ये रेड शेड भी आता है ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से ये होता है इसका फ्लार आप देख सकते हो तो फ्रेंड्स कलर्स को लेकर भी वाइड रेंज होती है तो जैसा भी कलर आपको पसंद आप लाकर लगा सकते हो इसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट जो आप प्लांट देखें देख रहे हो ये है हेमेलिया का फ्रेंड्स इसके मैं फ्लावर्स की अगर बात करूं आप देखिए इतने छोटे छोटे से फ्रेंड फ्लावर्स होते हैं ये देखिए ट्यूबलर शेप के होते हैं ये आप देख सकते हो इस तरीके के इसमें फ्लावर्स खिलते हैं और फ्रेंड्स हमेशा मैं ये कहती हूं कि इनका लीव्स और फ्लावर का कॉम्बिनेशन स्पेशली ऑरेंज इन ग्रीन का मुझे बहुत ज्यादा अच्छा सा लगता है और ये फ्रेंड डोर्फ वरायटी है इसमें नॉर्मल आपको एक देसी वरायटी भी आती है उनकी लीव्स थोड़ी सी बड़ी सी होती है फ्रेंड बहुत ज्यादा हार्डी प्लांट होता है बिगनर्स के लिए तो बेस्ट है फ्रेंड्स अगर आप लगाना चाहते हो इस पर अगर आप बिगनर हो और, और कोई ऐसा प्लांट लगाना चाहते हो जो कि काफी सालों साल आपके पास बना रहे और लो केयर में चले तो फ्रेंड्स हमेलिया को जरूर लगाइए और अगर आपको छोटे से फ्लावर्स पसंद है जैसे ये देखिए फ्रेंड कितने छोटे छोटे से बहुत ही क्यूट से फ्लावर्स लगते हैं तो फ्रेंड्स आप इस प्लांट को जरूर इंक्लूड करिए काफी ज्यादा खूबसूरत सा लगता है और आंखों को बहुत सुकून देता है फ्रेंड स्पेशली गर्मियों में जब इस तरीके से बहुत तेज धूप पड़ती है और इस तरीके से आपको ग्रीन कलर की लीव्स और फ्लावर्स देखने को मिले ऑरेंज कलर की तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सा लगता है नेक्स्ट जो प्लांट आप फ्रेंड्स इस लिस्ट में देख रहे हो ये है गोल्डन पैंडा का यह काफी यूनिक फ्लारिंग प्लांट होता है फ्रेंड्स आप देखिए इसके फ्लार का शेप कितना ज्यादा खूबसूरत सा लग रहा है और इस तरीके से फ्रेंड्स इसमें बर्ड्स वगैरह आती हैं और फ्लावर काफ़ी यूनिक सा लगता है फ्रेंड ये देखिए कितना खूबसूरत सा लग रहा है और इसमें भी फ्रेंड्स आपको कलर्स में आपको रेड कलर भी मिल जाएगा वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा लगता है और इस तरीके का फ्रेंड्स आपको येलो कलर मिल जाएगा काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल सा ये प्लांट देखने में लगता है और इसके भी फ्लावर्स काफ़ी छोटे छोटे से साइज में होते हैं और देखने में चूँकि यूनिक लगता है तो एक बहुत ही खूबसूरत एक ऑर्नामेंटल एडिशन होगा आपके अपने गार्डन में तो इसे भी आप जरूर लगाइएगा नेक्स्ट जो प्लांट आप फ्रेंड इस लिस्ट में देख रहे हो ये है मधु का फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और फ्रेगरेंट ये भी फ्लारिंग प्लांट होता है और इस तरीके से इसमें फ्रेंड दो वैराइटीज़ आती है एक नॉर्मल आपको ऐसे जो प्लांट वराइटी होती है वो मिल जाएगी उसमें भी फ्लावर्स फ्रेंड काफ़ी छोटे छोटे से लगते हैं और एक फ्रेंड इसकी आती है टेबल मधु कामनी भी आती है वो भी फ्रेंड मेरे पास है उसमें बहुत ही छोटे छोटे से फ्लावर्स खिलते हैं और इससे भी छोटे होते हैं फ्रेंड्स वो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा देखने में लगता है तो फ्रेंड इस प्लांट को भी आप ज़रूर इंक्लूड करिए अगर आपको फ्रेगरेंट फ्लॉरिंग प्लांट पसंद है तो फ्रेंड जैसे कि मोगरा हो गया और ये आप मधु काम नहीं देख रहे हो इसको आप जरूर लगाइए अगर आपको छोटे स्पेशली फ्लावर्स uh, पसंद है और उसमें आप को अगर जो फ्रेगरेंस वाले प्लांट अगर आपको चाहिए तो फ्रेंड्स इन दो प्लांट को तो आप ज़रूर इंक्लूड करें काफ़ी ज़्यादा देखने में भी खूबसूरत से लगते हैं और फ्रेगरेंस तो फ्रेंड इनकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है काफ़ी ज़्यादा कामिंग होती है तो फ्रेंड इसको आप ज़रूर इंक्लूड करिएगा नेक्स्ट जो प्लांट आप इस लिस्ट में देख रहे हो ये है पेंटास का फ्रेंड इसके भी जो फ्लावर्स का अगर आप शेप देखोगे थोड़ा सा स्टार शेप में होता है और एक परमानेंट फ्लॉरिंग प्लांट होता है तो सालों साल बना रहेगा और बहुत ही अच्छे से इसमें फ्लारिंग होती है इसमें भी बंचेज में फ्लावर्स खिलते हैं और We'll be right <laughs> back. फ्रेंड्स इसमें भी कलर ऑप्शन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे ऐसे आपको रेड कलर मिल जाएगा इसके बाद फ्रेंड्स आपको ऐसे पर्पल कलर मिल जाएगा इसमें वाइट भी आता है पिंक भी आता है फ्रेंड बहुत सारा कलर ऑप्शन आपको नर्सरी पे मिल जाएगा और काफ़ी ज़्यादा एक हार्डी प्लांट होता है तो फ्रेंड्स इस प्लांट को भी आप ज़रूर लगाइए और बंचेज में फ्लारिंग करता है छोटे फ्लावर्स हैं तो अगर आपको भी छोटे फ्लावर्स पसंद हैं और बंचेज में आपको चाहिए कि कोई प्लांट ऐसे फ्लारिंग करे जैसे कि एक्जोरा करता है तो फ्रेंड्स पेंटास को भी आप ज़रूर इंक्लूड करिए काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत सा लगता है और एक ये हैवी ब्लूमर

अगर आपको छोटे छोटे से फ्लावर्स पसंद है और अगर आपको ऐसा वाइन की कोई तलाश है तो फ्रेंड्स साइप्रस वाइन को आप जरूर इंक्लूड करिए काफी ज्यादा एक ब्यूटीफुल वाइन होती है और सालों साल फ्रेंड ये बनी रहेगी इसके सीड्स फ्रेंड गिरते जाएंगे तो न्यू न्यू प्लांट्स आपके यहां आपको न, आ, फ्रेंड देखने को ज़रूर मिलेंगे स्पेशली मानसून अगर आप देखें तो आपको अदर गमले में भी फ्रेंड्स इसके कई बार नीचे अगर ग्राउंड में गिर गया तो वहाँ पर भी बहुत ही आसानी से इसके न्यू प्लांट्स आपको देखने को मिल जाएंगे तो इस वाइन को भी फ्रेंड्स आप ज़रूर इंक्लूड करिए बहुत ही ज़्यादा एक खूबसूरत एडिशन होता है नेक्स्ट जो फ्रेंड आप प्लांट देख रहे हो इस लिस्ट में ये है यूफोरबिया मिली का फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा हार्डी होता है और अगर मैं मेंटेनेंस की बात करूँ तो फ्रेंड बिल्कुल लो मेंटेनेंस वाला प्लांट होता है कलर वैरायटी की मैं बात करूँ तो कलर्स में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे अगर मैं इसकी वैरायटी की बात करूँ तो वो भी आपको बहुत सारी मिल जाएंगी इससे भी एक टाइनी वराइटी आती है उसमें बहुत ही छोटे छोटे से फ्लार्स लगते हैं फ्रेंड वो मैंने अभी रिसेंट में इंक्लूड किया है लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है अभी उसमें फ्लॉर्ंग नहीं हो रही है तो फ्रेंड्स मैं आपको ये जो मेरे पास नॉर्मल uh, uh, जो होती है वराइटी वो मैं आपको दिखा रही हूँ और ये देखिए फ्रेंड्स एक इसमें ऐसा भी आपको शेड मिल जाएगा। थोड़ा सा ये पड़ा मुझे, तो friends, अगर आपको, uh, uh, तो आप uh, आपको रेड मिल जाएगा ऐसे बाई कलर मिल जाएगा फ्रेंड येलो मिल जाएगा काफी ज्यादा कलर्स में मिलता है ऐसे पिंक भी मिल जाएगा फ्रेंड्स जैसे आप ये देख रहे हो और प्रोपोगेशन की मैं बात करूँ तो बहुत ही आसानी से फ्रेंड्स ये प्रोपोगेट हो जाता है छोटी सी भी कटिंग आप अभी लगा दो फ्रेंड मानसून का टाइम है कहीं से आपको मिल जाती है तो आप कटिंग ला के ले आओ अगर आपको कोई कलर पसंद हो किसी के पास हो तो आप मांग के भी लगा सकते हो बहुत ही ज़्यादा एक खूबसूरत ये भी एडिशन होता है तो इसे भी आप ज़रूर लगाइए बिगनर है तो फ्रेंड्स मेरी आपको सलाह है आप इस प्लांट को तो ज़रूर लगाइएगा इसके बाद फ्रेंड लास्ट बट नॉट लीस्ट ये है मेरा पर्सनल फेवरेट प्लांट जेट्रोफा अगर मैं फ्रेंड्स हर बार जब मैं अपना गार्डन ओवरव्यू करती हूँ तो मैं आपको ज़रूर बोलती हूँ कि मुझे इसके जो फ्लावर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद है आप फ्रेंड देखिए कितने छोटे छोटे क्यूट से फ्लावर्स हैं आप खुद देख सकते हो और लीव चूकी इसकी इतनी बड़ी सी उसमें ये इतने छोटे छोटे से फ्लावर्स खिलते हैं तो फ्रेंड अनबीटेबल कॉम्बिनेशन है क्योंकि अगर मैं बात करूँ फ्लावर्स और लीज कलर कॉम्बिनेशन की वो भी अनबीटेबल है फ्लावर्स और लीव्स के मैं साइज़ की बात करूँ जो छोटे छोटे से फ्लावर्स बड़ी बड़ी सी लीव्स काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत सा ये प्लांट देखने में लगता है चूँकि फ्रेंड्स या तो फिर मैंने इसे एक जो ट्री का लुक दे रखा है तो फ्रेंड्स ये मुझे मैं ऊपर टेरिस पर भी जाती हूँ तो नीचे ये मेरे आउटडोर लॉन पर लगा हुआ है तो मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है और हमेशा फ्रेंड इस तरीके से देखें बंचेज में इसमें ब्लूमिंग होती है तो फ्रेंड्स अगर आपको ये प्लांट पसंद है तो आप इसको ज़रूर लगाइएगा कॉमन प्लांट है फ्रेंड्स कहीं से भी आपको इसकी कटिंग मिल जाती है तो आप इसको जरूर इंक्लूड करिए अपने गार्डन में तो फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा एक प्रिटी एडिशन होता है तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा और फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इन क्यूट लिटिल फ्लारिंग प्लांट्स में से कौन से प्लांट्स सबसे ज़्यादा पसंद आए तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा होप यू लाइक द वीडियो थैंक यू सो मच